गाइस, क्या आप एक यूट्यूबर हो या फिर यूट्यूबर बनना आपका सपना है? आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो? अगर आप एक बिगिनर हो ना, तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले आप वीडियोस बनाना शुरू करो ना, जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए आपका वीडियो होने वाला है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट या उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ऑडियो होता है। क्योंकि एक पल के लिए ना, लोग आपके खराब विजुअल्स को, ब्लरी या शेकी फुटेज को हैंडल कर लेंगे, लेकिन खराब ऑडियो ना बहुत ही ज्यादा कान पे लगता है एंड ना लोग देखना नहीं चाहते हैं। अगर आपकी वीडियो पे ऑडियो खराब रहेगा ना, तो लोग आपकी वीडियो को लास्ट तक वॉच नहीं करेंगे एंड छोड़ करके चले जाएंगे और आप इससे डिमोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि आपके वीडियोस पे इंगेजमेंट अच्छा नहीं बन पाएगा। एंड आज ना गाइस, मैं आपके लिए एक अफोर्डेबल बजट रेंज में आने वाले वायरलेस माइक्रोफोन का वीडियो लेकर आया हूँ। ये आता है ग्रेनारो ब्रांड की तरफ से। क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, कितना प्राइस पड़ा एंड कैसा इसके अंदर आपको साउंड क्वालिटी मिल जाता है, सब कुछ इस वीडियो पे आपको टेस्ट करके बताऊंगा। गाइस, ये कोई पेड कोलेब्रेशन नहीं है, पूरा ऑनेस्ट रिव्यू रखने वाला हूँ आपके साथ। लेना वर्थ इट रहेगा नहीं रहेगा, ये वीडियो के लास्ट में आपको मेरा कंक्लूजन भी मिल जाएगा। तो अगर आपको एक अच्छा वायरलेस माइक्रोफोन लेना है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, मेरा नाम है निमेश, आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। चैनल पर नया आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है ऐसे वीडियोस बनाते रहने के लिए। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, ये मैंने अमेजोन से लिया है। इसके दो वेरिएंट्स आते हैं, एक सिंगल माइक्रोफोन वाला और एक आता है डुअल माइक्रोफोन वाला। तो ये सिंगल माइक्रोफोन वाला मैंने परचेज किया था अमेजोन से। तो चलो फटाफट से इसे अनबॉक्स करते हैं, निकाल लेते हैं हमारे माइक्रोफोन को। तो इसके अंदर हमें बिल देखने को मिलता है और साथ ही साथ ये रहा हमारा ग्रेनारो का वायरलेस माइक्रोफोन। इसको रख देते हैं साइड पे। तो ये रहा गाइस हमारा मेन प्रोडक्ट, ग्रेनारो का वायरलेस माइक्रोफोन। ये सिंगल ट्रांसमीटर एंड सिंगल रिसीवर वाला मैंने परचेज कर रखा है एंड बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस का मुझे ये मिला है। इससे पहले कि इसके बॉक्स ओवरव्यू से शुरू करें, इस पे एक प्लास्टिक का रैप चढ़ा हुआ है, उसे यहाँ पे हटा लेते हैं। तो ये रहा गाइस हमारा मेन प्रोडक्ट, कुछ इस तरीके के बॉक्स में आया हुआ है। यहाँ पे आपको ग्रेनारो का ब्रांडिंग मिल जाएगा, नीचे इसका मॉडल नंबर S10 Pro, बीच में आपको हमारा माइक्रोफोन का डिजाइन देखने को मिल जाएगा। साइड में बॉक्स पे देख सकते हो वायरलेस माइक्रोफोन लिखा हुआ है एंड बैक साइड पे आ जाओगे तो बैक साइड पे इसके कुछ क्विक फीचर्स लिखे हुए हैं, लाइक प्लग एंड प्ले डिवाइस से ज्यादा कुछ करना नहीं, बस कनेक्ट करो, इजिली आप यूज कर पाओगे। 20 meters का आपको यहाँ पे रेंज मिल जाता है। जो रेंज टेस्ट है ना, वो मैं आपको वीडियो के आगे दिखाऊंगा लाइव करके। प्रिसाइज रेडियो मिल जाता है, मतलब बहुत ही क्लियर आपको यहाँ पे ऑडियो क्वालिटी मिलेगा। क्लियर टिम्बर यानी कि आपके वॉइस पे शार्पनेस बना हुआ रहेगा। हाईली सेंसिटिव माइक्रोफोन है, तो अच्छे से आपके ऑडियो को कैप्चर करने वाला है। लास्ट में वाइडली कंपेटेबल है, यानी कि बहुत सारी डिवाइसेस से कनेक्ट करके यूज कर पाओगे। मेड इन चाइना प्रोडक्ट है एंड बस सिंपल से इस तरीके का बॉक्स है। तो स्लाइडर बॉक्स है, बस आपको यहाँ पे स्लाइड करना है और ये रहा हमारा बॉक्स अलग हो गया। सबसे पहले हमें इसके अंदर ना वारंटी कार्ड देखने को मिलता है, ये काफी अच्छी चीज है। इसके साथ आपको मिल जाता है 1 साल का वारंटी। वारंटी को आपको ना रजिस्टर करना पड़ेगा, तब जाके आपका वारंटी वैलिड हो पाएगा। इस कार्ड पे सब कुछ लिखा हुआ है, आप इनको फॉलो करके इसके वारंटी को रजिस्टर कर सकते हो। तो ये रहा गाइस हमारा मेन बॉक्स कंटेंट। आप देख सकते हो ये जो आपको बड़ा सा यूनिट दिख रहा है ना, ये इसका रिसीवर है जिसपे ऑडियो को ये रिसीव करने वाला है। और ये रहा हमारा ग्रेनारो का माइक्रोफोन एंड बगल में आपको एक्सेसरीज बॉक्स मिलता है। तो चलो सबसे पहले इसके एक्सेसरीज बॉक्स को निकालते हैं। एक्सेसरीज बॉक्स आपको मिल जाता है, इसके अंदर क्या है मैं आपको दिखा देता हूं। तो गाइस, इसके अंदर आपको मिल जाता है एक छोटा सा टाइप सी केबल, जिससे आप इसे चार्ज कर पाओगे। इसके अंदर आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा, तो आप अपने किसी भी मोबाइल चार्जर से कनेक्ट करके, लैपटॉप से, पावर बैंक से कनेक्ट करके अपने इस माइक्रोफोन को चार्ज कर सकते हो। एंड साथ में हमें देखने को मिल जाता है एक यहाँ पे टाइप सी टू 3.5 mm का पोर्ट मिल जाता है। इसके अंदर आप एक ईयरफोन लगा करके, अपने कान पे लगा के खुद के ऑडियो को मॉनिटर कर पाओगे। तब आपको पता चलेगा कि कहीं मैं जोर तो नहीं बोल रहा हूँ, कहीं मेरी आवाज फट तो नहीं रही है, मुझे कितने डिस्टेंस पे बोलना है, वो आप यहाँ पे सुन करके इस पे देख सकते हो। तो लाइव मॉनिटरिंग का फीचर भी इसके अंदर आपको मिल जाता है। जैसे बॉक्स को यहाँ नीचे हटाऊंगा ना, नीचे मुझे कुछ और भी देखने को मिल रहा है। इसके अंदर आपको एक यूजर मैनुअल मिल जाता है, कैसे इसे यूज करना है आप इसे पढ़ के जान सकते हो। हालांकि जरूरत नहीं है, मैं आपको सब कुछ बताने ही वाला हूँ। तो ये रहा गाइस मेन हमारा प्रोडक्ट, आप देख सकते हो। सबसे पहले हमें इसके अंदर मिल जाता है हमारा ये रिसीवर और ये रहा हमारा मेन ग्रेनारो का वायरलेस माइक्रोफोन। बॉक्स को करते हैं बंद और रखते हैं फिलहाल के लिए साइड पे। तो ये रहा गाइस हमारा मेन प्रोडक्ट, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। जो आपको थ्री पोर्ट वाला देखने को मिल रहा है ना, इसे कहते हैं रिसीवर। ये आपके मोबाइल फोन पे, आपके कैमरे पे लग जाता है। और ये जो है ग्रेनारो का ब्रांडिंग के साथ, इसे कहते हैं ट्रांसमीटर या फिर माइक्रोफोन, आप नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हो। इसके थ्रू ऑडियो निकल करके वायरलेसली इसके अंदर रिसीव होता है, तब जाके ये आपके डिवाइस पे ऑडियो रिकॉर्ड कर पाता है। तो इस सबसे पहले इसके रिसीवर के फिजिकल ओवरव्यू पे आते हैं। आपको यहाँ पे लाइटनिंग जैक मिल जाता है,
है, टाइप सी जैक मिल जाता है और आपको यहाँ पे 3.5 mm का जैक देखने को मिलता है। फ्रंट साइड पे आपको पावर ऑन एंड ऑफ का बटन मिल जाता है, पर में आपको एक एलईडी इंडिकेटर मिल जाता है। इसके नीचे आपको गाइस दो पोर्ट मिल जाते हैं, एक 3.5 mm का होल मिलता है और आपको एक टाइप सी पोर्ट मिलता है क्योंकि एक बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस है। अब आते हैं गाइस इसके ट्रांसमीटर पे या फिर आप कह लो माइक्रोफोन पे, तो यहाँ पे आपको बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज मिलेगा। मैं बोलूंगा मेरे एक फिंगर जितना भी बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा सा साइज का है, तो इजिली आप इसे क्लिप करके कहीं भी लगा सकते हो। आपको यहाँ पे ग्रेनेरो का ब्रांडिंग मिल जाएगा, फुल प्लास्टिक बिल्ड बॉडी देखने को मिल जाएगा। इस पे एक आपको छोटा सा डॉट नजर आ रहा है ना, ये इंडिकेटर है। इसके अंदर आपको लाइट इंडिकेशन मिलेगा जब आप इसे ऑन एंड कनेक्ट करोगे। ऊपर में आपको ये मेटल ग्रिल दिया गया है जिसके अंदर आपको माइक्रोफोन अच्छे तरीके से प्लेस देखने को मिल जाएगा। बैक साइड पे आपको इसका क्लिप मिल जाएगा जिससे आप इसे अपने शर्ट पे, टी शर्ट पे, जहां भी क्लिप करना चाहोगे क्लिप कर सकते हो। और नीचे आपको ऑन एंड ऑफ का स्विच मिल जाता है। साइड पे आ जाओगे, साइड पे आपको यहाँ पे एक टाइप सी पोर्ट दिया गया है जिससे आपको इसको चार्ज करना पड़ेगा। तो मुझे प्लास्टिक का क्वालिटी बहुत ही अच्छा लग रहा है, चेक करने पे कुछ भी यहाँ पे आवाज नहीं आ रहा, यानी कि बिल्ड क्वालिटी आपको अच्छा देखने को मिल जाता है। तो इसको ऑन करना बड़ा ही सिंपल है गाइस। आपको इस माइक्रोफोन को ऑन करने के लिए बस बैक साइड पे बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है, और जैसे आप लॉन्ग प्रेस करके रखोगे ना, इसके अंदर आपको एक रेड ग्रीन लाइट यहाँ पे ब्लिंक होता हुआ नजर आएगा, यानी कि अभी ये ऑन हो चुका है। जब कनेक्ट हो जाएगा तब ये पूरा ग्रीन हो जाएगा, रेड लाइट जलना बंद हो जाएगा। तो ये अभी बस ये शो कर रहा है ना कि अभी ये कनेक्ट करने के लिए तैयार है। अब इसे जैसे मैं यहाँ पे पावर ऑन करूंगा ना लॉन्ग प्रेस करके, ये साथ में कनेक्ट हो जाएगा देखना। तो यहाँ पे मैं इसे लॉन्ग प्रेस करता हूँ, देखो बड़ा ही फास्ट कनेक्ट हो गया गाइज, 2-3 सेकंड भी नहीं लगा। मैंने लॉन्ग प्रेस किया, यहाँ पे ये ऑन हो चुका। यहाँ पे आप देखो इसका रेड लाइट जो ब्लिंक हो रहा था रेड ग्रीन वो बंद हो चुका है। अब दोनों के अंदर आपको ग्रीन लाइट देखने को मिल रहा है, यानी कि अब ये पेयर हो चुका है साथ में। इतना सिंपल था इसे ऑन करना। अब मैं इसे बस अपने मोबाइल फोन पे लगाऊंगा ना और वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा तो ये रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ कुछ फोन पे ना डायरेक्ट वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट कर जाता है इसको लगा करके, किसी किसी फोन पे ना ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको एक सेकेंडरी ऐप यूज करना पड़ता है जिसका नाम है ओपन कैमरा। और चलो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इसको अपने मोबाइल फोन के साथ पहले कनेक्ट करना है, फिर इसे टेस्ट करके इसके ऑडियो क्वालिटी को भी चेक कर लेंगे। सो गाइस चलो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इसे अपने मोबाइल फोन के साथ कनेक्ट करना है। तो आपके पास ना दो ऑप्शंस है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो, जैसे मेरे हाथ में ये अभी सैमसंग गैलेक्सी F23 5G मोबाइल फोन है, तो इसके अंदर मुझे टाइप सी पोर्ट और 3.5 mm का जैक भी देखने को मिलता है। तो मैं चाहूंगा तो डायरेक्टली इसे टाइप सी पोर्ट पे इस तरीके से लगा दूंगा। अब ये रेडी टू रिकॉर्ड है, आप आसानी से इसके अंदर आप ऑडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। लेकिन अगर किसी फोन पे टाइप सी पोर्ट नहीं मिलता, अगर आपका कोई माइक्रो यूएसबी वाला पोर्ट वाला मोबाइल फोन है, थोड़ा आउटडेटेड मोबाइल फोन है, तो आप उसके अंदर 3.5 mm जैक को इस तरीके से लगा देना और आप उसके अंदर सेम आप ऑडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। तो चलो अब बताता हूं कैसे इसके अंदर आपको कौन सा ऐप को डालना पड़ेगा ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो बहुत सारे फोन्स पे जब आप इसे कनेक्ट करोगे ना, तो उसके डायरेक्ट जो कैमरा ऐप पे वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाता है, लेकिन बहुत सारे फोन पे रिकॉर्ड नहीं लेगा। तो उसके लिए आपको चलना पड़ेगा अपने डिवाइस के प्ले स्टोर पे चलेंगे। इस एप्लीकेशन का नाम है ओपन कैमरा, बहुत ही छोटा सा एप्लीकेशन है, बहुत ही कम MB का, 2.5 MB का एप्लीकेशन है। इसको इंस्टॉल कर लो। इसके अंदर आपको बहुत सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, लाइक आप एक्सपोजर लॉक कर सकते हो, आप यहाँ पे फोकस के अलग अलग मोड्स यूज कर सकते हो। तो एक ओवरऑल एप्लीकेशन है। मैं अपने फोन पे शूट करता हूँ, मैं ओपन कैमरा ऐप यूज करता हूँ और आपको मेरे वीडियोस पे इतना अच्छा क्लैरिटी देखने को मिलता है। तो बहुत ही जल्दी इंस्टॉल हो गया, ओपन कर लेंगे इसे, सारे परमिशंस अलाउ कर देना। अब इसके अंदर क्या है ना, आप कुछ भी रिकॉर्ड करोगे ना, तो इसके अब डिफॉल्ट इसके मोबाइल फोन के माइक से रिकॉर्ड होगा। आपको चलना है इस सेटिंग वाले बटन पे, इस पे चलेंगे। अब इसके अंदर आपको ऑप्शन चलना है वीडियो सेटिंग्स पे, वीडियो सेटिंग के अंदर चलेंगे। इसके अंदर आपको नीचे आना है, ऑडियो सोर्स का ऑप्शन नजर आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। देखो बहुत सारे यहाँ पे आपको सोर्स देखने को मिल रहे हैं। कैमकॉर्डर यानी कि आपके मोबाइल फोन का माइक यूज होगा, एक्सटर्नल माइक अगर आप क्लिक कर दोगे, तो उसके बाद आप कोई भी यहाँ पे माइक्रोफोन लगाओ, 3.5 mm जैक से बोया माइक्रोफोन लगा लो या वायरलेस माइक्रोफोन लगा लो, कुछ भी एक्सटर्नल माइक लगाओगे अब उससे ये रिकॉर्ड करेगा। तो यहाँ पे आपको मोड्स मिलते हैं, बस सेकंड वाले मोड पे आपको रखना और ये चीज ऑन रहे देखना, रिकॉर्ड ऑडियो ये सब में ऑन ही रहता है। गलती से अगर ऑफ हो गया होगा तो इसको ऑन कर लेना। तो गाइस मैंने रिसीवर को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, अब मैं यहाँ पे कुछ भी बोलूंगा ना इसके माइक पे वो इस पे रिकॉर्ड होगा। लेकिन आप देखना चाहते हो कि कितना लेवल रिकॉर्ड हो रहा है, लाउड हो जा रहा है, कम रिकॉर्ड हो रहा है, तो उसके लिए सिंपल सा एक सेटिंग बताता हूँ। सेटिंग्स पे चलना, यहाँ पे आपको जो कैमरा प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है ना, इस पे क्लिक करना है। नीचे आओ, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा शो ऑडियो लेवल मीटर, इसको आपको ऑन कर देना है। तो मैंने ऑडियो लेवल मीटर ऑन कर दिया है। जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ वीडियो रिकॉर्ड करना, तो देखो यहाँ पे आपको ऑडियो लेवल शो कर रहा है। देखना मैं चुप होता हूँ, इस पर टैप करूंगा और देखना ये आपको शो करेगा कि ये कनेक्ट हो रहा है। मैं चुप रहता हूँ और यहाँ पे इसका पूरा हाई चला जाता है, यानी कि अब इसके अंदर जो भी ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है इस माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है, इस पर रिसीव हो रहा है और ये आपके वीडियो पे जा रहा है। तो इस तरीके से आप रिकॉर्ड कर पाओगे। अब आपके फोन पे मान लो टाइप सी पोर्ट नहीं है ना,
तो आप क्या करना, सिंपली आप इस पे 3.5 mm जैक को लगा सकते हो। तो मैं इसे लगा रहा हूँ ना, तो ये अच्छे से लुक लग नहीं रहा है, तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करूंगा ना, मैं इसके अंदर इसके कवर को ओपन करूंगा। पहले ये रहा, मैंने कवर अलग कर दिया। कवर अलग करने के बाद अब यहाँ पे इसके 3.5 mm वाले जैक पे इसे लगाने वाला हूँ। एक क्लिकी सा साउंड आया कट सा, अब ये यहाँ पे इसके थ्रू रिकॉर्ड करेगा। देखो फिर यहाँ वीडियो स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग। तो देखा गाइस, इसके अंदर आपको दो कनेक्शंस मिल जाते हैं, या तो टाइप सी पोर्ट से लगा के आप इस पे लगा के यूज कर पाओगे, या फिर आप 3.5 mm जैक पे लगा के भी यूज कर पाओगे। तो वाइडली कंपेटेबल डिवाइस है, कैमरास के साथ साथ आपके यूएसबी सी वाले फोन पे, आपके 3.5 mm जैक के कैमरा पे, या 3.5 mm जैक के थ्रू कोई भी मोबाइल फोन पे, या फिर लाइटनिंग पोर्ट पे, सब डिवाइसेस के साथ ये कनेक्ट होने वाला है। प्राइस बहुत ही कम है, इतने प्राइस में इतने सारे फीचर्स दे रहा है ना, बहुत ही बड़ी बात है। सो गाइज, अभी जो आप मेरा आवाज सुन रहे हो ना, करेंटली ये रिकॉर्ड हो रहा है बोया BY-M1 लेवेलियर माइक्रोफोन पे, जो आता है 700-800 रुपए के अंदर, आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाता है। तो ये मैंने अमेजोन से परचेस किया था 1-1.5 साल पहले, और तब से मैं इसे यूज कर रहा हूँ। तो इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके का ऑडियो देखने को मिलता है विदाउट एनी एडिटिंग। रूम पे फैन नहीं चल रहा है, लेकिन रूम पे अभी एयर कंडीशनर सबसे लो टेम्परेचर पे चल रहा है, एंड थोड़ा बहुत उसका नॉइज आ रहा है। तो आप यहाँ पे, मैं चुप होता हूँ, आप पहले इसके ऑडियो को सुन लो कैसा आपको इसके अंदर ऑडियो क्लैरिटी मिलता है, फिर स्विच करेंगे इसके ऊपर। तो गाइज, मैंने कर लिया है ग्रेनेरो के इस वायरलेस माइक्रोफोन को कनेक्ट अपने मोबाइल फोन के साथ, और अभी मैं आपको बोया वाले पे टैप करके सुनाता हूँ। देखना ये कनेक्ट नहीं है, अभी मैं टैप कर रहा हूँ लेकिन आपको कुछ भी आवाज नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इसे टैप करूंगा, आप देखना। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो चुका है कि ये अभी कनेक्ट हो चुका है, और जो ये ऑडियो आप सुन रहे हो वो इस ग्रेनेरो के वायरलेस माइक्रोफोन पे रिकॉर्ड हो रहा है। तो ग्रेनेरो के इस वायरलेस माइक्रोफोन को ना आप आसानी से अपने टी शर्ट पे लगा सकते हो, शर्ट पे लगा सकते हो, कहीं भी क्लिप कर सकते हो। इसकी बैक में आपको क्लिपर देखने को मिल जाता है, तो आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। आप अगर चाहोगे इसे पकड़ के इस तरीके से रिकॉर्ड करना, या फिर अगर आपका इंटरव्यू पॉडकास्ट का चैनल है तो आप इस तरीके से 1 by 1 क्वेश्चंस पूछ सकते हो, या फिर अगर आप सिंगल कंटेंट क्रिएटर हो, अपने इस तरीके से सिट करके वीडियोस बनाते हो, तो आप बस इसे अपना कॉलर पे यहाँ पे लगा सकते हो। तो देखो गाइज, यहाँ पे मैंने ग्रेनेरो के इस वायरलेस माइक्रोफोन को कुछ इस तरीके से अपने शर्ट पे क्लिप कर दिया है, और इस तरीके से आप पूरा हैंड्स फ्री हो चुके हो, कोई भी आपको लिमिटेशंस या रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। वायर माइक्रोफोन भी क्या होता है ना कि आप एक लिमिटेड अपना एक्शन कर सकते हो, क्योंकि आप वायर से कनेक्ट रहते हो, आप लिमिटेड मूव कर सकते हो, लिमिटेड एक्शन कर सकते हो। लेकिन वायरलेस माइक्रोफोन लगाने के बाद कुछ भी चीज आपको रोक नहीं रहा है, आप कहीं भी चल के जाओ, कुछ भी करो, आप डिस्टेंस रेंज के अंदर रहोगे, आपका ऑडियो आराम से रिकॉर्ड होगा, और आप आराम से जो भी कॉन्टेंट बना रहे हो आप बना पाओगे बिना किसी परेशानी के। तो जो ये ऑडियो सैंपल आप सुन रहे हो ना, ये सुन रहे हो आप ग्रेनेरो के वायरलेस माइक्रोफोन पे। थोड़े के लिए मैं चुप होता हूं और देखता हूं कि ये किस तरीके का नॉइस कैप्चर करता है। नॉइस कैंसिलेशन मोड को ऑन नहीं किया है, 1 by 1 करेंगे। पहले इसका आप नॉर्मल वॉइस सुन लो, कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। तो इसका नॉर्मल ऑडियो ये है। अब इसके अंदर ना गाइस आपको 3 नॉइस कैंसिलेशन मोड्स मिल जाते हैं। तो अभी ये नॉर्मल कनेक्ट है ना गाइस, तो इसके अंदर ग्रीन लाइट जल रहा है, इसके अंदर आपको 3 नॉइस कैंसिलेशन मोड मिल जाते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे एक बार बटन को दबाऊंगा ना, तो इसका लाइट एक बार ब्लिंक करेगा और ये नॉइस कैंसिलेशन लेवल 1 पे आएगा। तो चलो यहाँ पे प्रेस करते हैं, ये एक बार ब्लिंक कर चुका है, अब ये नॉइस कैंसिलेशन मोड पे चला गया, नॉइस कैंसिलेशन लेवल 1 पे। सराउंडिंग पे थोड़ा नॉइस था, फैन चला रहे हो या फिर बगल के रूम पे कुछ हो रहा है, तो ये ना उसको सप्रेस करने का चाहेगा, और आप जो बोलोगे आपके ऑडियो पे ज्यादा फोकस करता है। अब इसके अंदर आपको सेकेंड मोड मिल जाता है, दोबारा मैं बटन प्रेस करूंगा तो इसका लाइट 2 बार ब्लिंक करेगा। देखो तो अब ये लेवल 2 पे आ चुका है, और नॉइस को ये और भी ज्यादा सप्रेस करेगा, ताकि आपके ऑडियो पे ना ज्यादा अच्छे से फोकस रह पाए, और सराउंडिंग नॉइस को कैंसिल आउट करेगा। अब इसके 3rd लेवल पे चलते हैं, बटन को दबाऊंगा तो ये 3 बार ब्लिंक करेगा। देखो 1, 2, 3 3 बार ये ब्लिंक किया। अब ये लेवल 3 पे पहुंच चुका है, अब ये मैक्सिमम नॉइस कैंसिलेशन लेवल है। तो इसमें क्या है ना, अगर आप चाहोगे माइक्रोफोन को थोड़ा सामने लाके बोलना तो बोल सकते हो, ज्यादा अच्छे से ये कैप्चर करेगा, और ये बैकग्राउंड नॉइस को बिल्कुल कैंसिल आउट कर देगा। मैं चुप होता हूं और आप देखना, बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा वीडियो। तो नॉइस कैंसिलेशन लेवल 3 पे वापस नॉर्मल मोड पे आना है, तो एक बार बटन को मैंने दबा दिया, अभी कोई लाइट ब्लिंक नहीं करेगा, और ये आ चुका है नॉर्मल मोड के अंदर। तो इसके अंदर आपको ये 3 नॉइस कैंसिलेशन मोड्स मिल जाते हैं। तो अगर आप ना ऐसे जगह पे वीडियो बनाते हो, जैसे कि आपके रूम के बाहर बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक रहता है, या फिर बच्चों के आवाज रहते हैं, पार्क वार्क है, कुछ भी है, आउटडोर वीडियोज बनाते हो, और आप चाहते हो कि ऑडियो ज्यादा क्लियर आए, नॉइस को ज्यादा से ज्यादा कैंसिल आउट हो जाए, तो आप इसके नॉइस कैंसिलेशन मोड्स को यूज करके आउटडोर में आसानी से इसको यूज करके वीडियो बना सकते हो। आउटडोर टेस्ट भी चलो कर
कर लेते हैं बाहर जाकर के। सो गाइस, मैंने कनेक्ट कर लिया इस माइक्रोफोन को मोबाइल फोन के साथ, और ये जो आप मेरे पीछे गली देख रहे हो ना ब्लू कलर के गेट तक, ये ऑलमोस्ट 40 मीटर से ज्यादा ही है। तो मैं आपको इसी पे जाके दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको जितना मैं दूर चला जाऊंगा तो ये ऑडियो को कैप्चर करता रहेगा, या फिर बीच में आपको कोई जर्क देखने को मिलेगा, या फिर ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इसको मैं लगा लेता हूँ अपने कॉलर पे। तो इसे मैंने इस तरीके से अभी फिलहाल कॉलर पे लगा लिया है, और चलो चलना शुरू करते हैं पीछे तक। एंड वहाँ तक मैं जाऊँगा, और मुझे आइडिया नहीं कि मैं घूम के चलूँगा तो मेरा बॉडी कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा एंड ऑडियो कटेगा या फिर कैसा आता है, ये मैं जब वीडियो एडिट करने बैठूंगा ना तभी मुझे पता चलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस तरीके का ये बेनिफिट है वायरलेस माइक्रोफोन्स का कि आप बिना वायर के काफ़ी दूर तक आप जा करके वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकते हो। इसमें यही फ़ायदा है, आप इजिली मैनूवर कर सकते हो। तो अगर आप प्रैंक वीडियोज़ बनाते हो या फिर आप कार्स रिव्यू करते हो तो उसमें क्या है ना, आपको घूम घूम के या फिर दूर दूर जा करके वीडियोस रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो वायर वाले माइक्रोफोन पे लिमिटेशन रहता है कि जितना लंबा वायर आप उतने ही दूर तक जा सकते हो, या फिर आपको सेकंड थर्ड कैमरा से शूट करना पड़ता है। इसमें क्या है कि आप जो मेन प्राइमरी कैमरा से शूट कर रहे हो उसी से आप यहाँ पे माइक को कनेक्ट करके दूर तक जा के वीडियोस बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे गेट तक पहुँच चुका हूँ, और कुछ इस तरीके से ऑडियो आ रहा है। मुझे नहीं पता कि ये अभी कनेक्ट है कि डिसकनेक्ट है। उसका पता लगाने का एक तरीका है कि आप माइक को खोलो और इस पे जो ग्रीन लाइट अगर जल रहा है ना, मतलब ये अभी भी कनेक्टेड है। अगर ये डिसकनेक्ट हो जाएगा ना तो ये ग्रीन रेड ब्लिंक करेगा। तो अभी ये कनेक्टेड है, और चलो वापस आता हूँ एंड देखते हैं कि कैसा इसके अंदर आपको ऑडियो क्लैरिटी मिलता है। ये तो आप मुझे कमेंट करके बताना, आप सुन ही रहे हो तभी से। तो इसका ना एक बार नॉइज़ कैंसिलेशन मोड को ऑन करते हैं। मैं आउटडोर में हूँ तो यहाँ पे रोड पे साइकिल वाइकल बाइक वाइक पार हो रहा है, तो इसका लेवल 1 करते हैं। तो ये नॉइज़ कैंसिलेशन लेवल 1 पे आ चुका है अभी फ़िलहाल, और बैकग्राउंड नॉइज़ में आपको कुछ यहाँ पे देखने को मिल गया होगा कि नॉइज़ जो था वो थोड़ा कम लग रहा होगा आपको। फिर से मैं एक बार और प्रेस करता हूँ। अब ये नॉइज़ कैंसिलेशन लेवल 2 पे आ चुका है, और आपको थोड़ा सा और मेरा आवाज़ सप्रेस्ड लग रहा होगा, बैकग्राउंड नॉइज़ इसमें और ज़्यादा आपको कम नज़र आ रहा होगा। देखो, थोड़ी देर में चुप हो जाता हूँ। सो ये रहा गाइस, मैं आ चुका हूँ बैक टू द कैमरा। 40 मीटर्स के अराउंड मैं गया था दूर एंड वापस आ चुका हूँ। कंपनी ने इस पे कहा है कि 20 मीटर्स का आपको बहुत ही अच्छा रेंज मिलने वाला है। डेफिनेटली आपको 20 मीटर्स तक तो अच्छा रेंज मिलेगा ही, लेकिन ये 40 मीटर्स तक भी कनेक्टेड था। एंड ऑडियो का क्वालिटी कैसा आया है ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइज, अभी ये नॉर्मल मोड पे रिकॉर्ड कर रहा है। अब इसके अंदर जो आपको रिवर्ब मोड मिलता है ना, उसको एक्सेस करने के लिए बस आपको इसके पीछे वाले बटन को 3 बार टैप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं टैप करता हूँ 1 2 3। तो अभी ये रिवर्ब मोड पे आ चुका है। जो भी आप यहाँ पे ऑडियो सुन रहे हो उस पर एक एको इफेक्ट आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर आप गाना वाना गाते हो ना तो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। इस मोड को रख करके आपका आवाज़ कुछ इस तरीके से एको वाले इफेक्ट के साथ रिकॉर्ड होने वाला है। तो कुछ ड्रामेटिक ऑडियो चाहिए या फिर एको इफेक्ट चाहिए तो आपको इस माइक्रोफोन के अंदर ही देखने को मिलता है। जिसको स्विच ऑफ करना है तो फिर 3 बार बटन को प्रेस करो, 1 2 3, और अब ये वापस आ चुका है नॉर्मल मोड पे। फिर इसके अंदर नेक्स्ट फीचर मिलता है गाइस म्यूट करने का। तो अभी जैसे ये रिकॉर्ड कर रहा है, कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं फोन कॉल आ जाता है, उस कॉल के बीच में ऑडियो को म्यूट करना चाहूंगा तो बस बटन को 2 बार प्रेस करना और ये म्यूट हो जाएगा। दिखना 1 2। तो देखा गाइस, यहाँ पे मैं अभी जो बोल रहा था वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, बिल्कुल साइलेंट हो चुका था क्योंकि ये म्यूट मोड पे चला गया था। और अब मैं यहाँ टैप कर रहा हूँ, देखो ये अब ये देखो अच्छे से रिकॉर्ड कर रहा है। गाइस, इसके रिसीवर के लिए एक चीज़ बताना चाहूंगा, इसके अंदर आपको जो लाइटनिंग जैक देखने को मिलता है ना आईफोन्स के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा छोटा दिया गया है। तो अगर आप आईफोन पे कवर लगा के रखे हो और उस पर लगाओगे और फिर रिकॉर्ड करोगे ना, तो हो सकता है आपका सही से कनेक्ट ना हो और आपका ऑडियो रिकॉर्ड ना हो। तो जब भी आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे ना तो आईफोन के कवर को उतार लेना और फिर इसको लगा के यूज़ करना, तो आपका डेफिनेटली अच्छे तरीके से ऑडियो कैप्चर होगा। एंड टाइप सी वाले में कोई भी इशू नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत ही लंबा सा दिया गया है। तो अगर आप कवर लगा के यूज़ कर रहे हो तो भी लग जाएगा, और अगर आपके फिर भी नहीं आ रहा, मोटा कवर है, थिक कवर है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कवर उतार लेना, उसके बाद आप इसे कनेक्ट करके यूज़ कर पाओगे तो अच्छे तरीके से ये कैप्चर करेगा ऑडियो। 3.5 mm का जो जैक मिलता है ना, इसे आप अपने इसे DSLR कैमरास पे लगा सकते हो। अगर आपके कैमरा पे लगाने के बाद आपको ऑडियो में कहीं कहीं पे ना फटता हुआ नजर आएगा या बीच बीच में कटता हुआ नजर आएगा ना, तो उसके लिए आप ऑडियो स्प्लिटर यूज़ करते हो इस टाइप का जो आता है, तो उससे क्या होगा ना, जैक का इशू की वजह से वो होता है। तो अगर आपका जैक लूज रहेगा तो हो सकता है ऑडियो आने में सही से आने में दिक्कत हो। तो आप एक स्प्लिटर ले लेना, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको इशू आएगा तो ही परचेस करना वरना मत खरीदना। तो ये वाइडली कंपेटेबल है आपके फोन्स के साथ, आपके अपने कैमरे के साथ एंड बहुत सारे डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करके यूज कर सकते हो।
गाइस, इस माइक्रोफोन को चार्ज करना बड़ा ही सिंपल है। इस पे लगा के आप इस माइक्रोफोन को चार्ज कर सकते हो और इस पे लगा करके आप इस रिसीवर को चार्ज कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे इसके अंदर इसके साथ जो केबल आया है उससे भी आप चार्ज कर सकते हो, हालांकि मैं उसे नहीं यूज करूंगा। मेरे पास एक यूएसबी केबल है, इसे मैंने लगा दिया इस पे और इसको लगा देंगे डायरेक्टली पावर बैंक के अंदर और यहाँ पे कर देंगे इसे ऑन। देखो अब इसके अंदर रेड लाइट ब्लिंक कर रहा है, यानी कि अभी ये चार्जिंग स्टेटस शो कर रहा है। जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो मे बी शायद इसका लाइट ऑफ हो सकता है। एक चार्ज हो गया, उसके बाद आप चाहोगे तो आप दूसरे वाले पे लगा के अपने रिसीवर को भी चार्ज कर सकते हो। इसके अंदर और एक स्पेशल फीचर मिलता है ना कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते करते मान लो आपको लग रहा है कि इसका बैटरी डाउन होने वाला है रिसीवर के अंदर, तो आप इसको साथ ही साथ में चार्ज भी कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। इसको मैंने यहाँ पे लगाया, इसको मैंने पावर ऑन किया, देखो अब ये चार्ज भी ले रहा है और रेडी टू यूज़ भी है। अब मैं यहाँ पे करूँगा इसे अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट, फ़ोन मैंने कर दिया कनेक्ट। तो इसके अंदर ना गाइस आपको इसके थ्रू चार्जिंग देखने को मिलेगा। डायरेक्टली मैंने इस पे लगा दिया रिसीवर पे इसके चार्जर को और इसको लगा दिया इस मोबाइल फ़ोन पे और अभी आप देख सकते हो ये भी चार्ज शो कर रहा है और यहाँ पे हमारा फ़ोन भी अभी चार्ज हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो 71% चार्ज एंड इट्स गेटिंग चार्ज। तो इसको ऑन करके पहले पेयर कर लेते हैं, देखो दोनों साथ में पेयर हो चुका है। अब यहाँ चलते हैं ओपन कैमरा ऐप पे एंड रिकॉर्डिंग करते हैं, टैप करते हैं। चलो देखो, हेलो हेलो हेलो, माइक चेक, हेलो हेलो हेलो, देखो इसके माइक पे मैं बोल रहा हूँ, हेलो 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 हेलो, यहाँ पे ये अब रिकॉर्ड कर रहा है। तो अगर आप कहीं पे इमरजेंसी में शूट कर रहे हो, चार्ज करने का आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसको आप लगा करके इस पे चार्जर कनेक्ट कर दो, आपका ये डिवाइस भी चार्ज होता रहेगा और साथ ही साथ आपका मोबाइल फोन भी चार्ज होगा और आप इस तरीके से कंटिन्यूअस यूज कर पाओगे। तो अब आते हैं गाइस कंक्लूजन पर। मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप बैठ के वीडियोस बना रहे हो तो आपको वायरलेस माइक्रोफोन की जरूरत नहीं है, आप वायर वाले माइक्रोफोन लगा के काम चला सकते हो। लेकिन अगर आप व्लॉगिंग करते हो तो अगर जैसे फोन से या कैमरे से व्लॉग कर रहे हो ना, तो आप अगर वायर माइक्रोफोन लगाओगे तो एक लिमिटेड डिस्टेंस तक ही आप उसको रख पाओगे, वो ज्यादा दूर आप नहीं कर पाओगे और अच्छा भी नहीं लगेगा। इसमें क्या, आप बस अपने कॉलर पे क्लिप कर दो और इस पे कनेक्ट कर दो कैमरे पे इसके रिसीवर को या मोबाइल फोन पे, आप आसानी से व्लॉगिंग कर सकते हो, आपको कोई भी यहाँ पे हर्डल कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है एंड ऑडियो क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा सही देखने को मिल जा रहा है। तो अब आते हैं इसके प्राइसिंग पे ना, इसके दो मॉडल आते हैं। ये सिंगल चैनल यानी कि सिंगल माइक्रोफोन वाला मैंने परचेस किया था, एक माइक्रोफोन एक रिसीवर, ये मुझे पड़ा था 899 रुपीज का। स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो, एक महीने पहले मैंने लिया था लेकिन अभी ने इसका प्राइस ड्रॉप हो चुका है 1747 या 1799 के अराउंड है। तो आपको एनी डे 1700 से 1800 रुपए के अराउंड आसानी से आपको अमेजोन पे ये मिल जाएगा। तो अगर आप लेना चाहोगे तो बिल्कुल वर्थ इट प्रोडक्ट है। और अगर आप डुअल चैनल लेना चाहते हो यानी कि आप दो माइक्रोफोन और एक रिसीवर वाला लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। अगर आप जैसे पॉडकास्ट चैनल है आपका, तो आप एक खुद पे लगाओगे, एक आप जो गेस्ट बुलाओगे उनके कॉलर पे लगाओगे। दो वाले का प्राइस 2399 रुपए के अराउंड था। दोनों के लिंक्स जो है बेस्ट बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस, ये वीडियो मैंने आपके लिए बहुत ही मेहनत से बनाया है, आई होप आप इस वीडियो को अप्रिशिएट करोगे। बस एक लाइक कर देना, कमेंट्स करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड गाइस, इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करना जो एक कंटेंट क्रिएशन जर्नी अपना स्टार्ट करना चाह रहे हैं यूट्यूब पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे। मैं बोलूंगा ये आपके लिए एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होगा एंड आपका इन्वेस्टमेंट सही जगह लगने वाला है। एंड जाते हुए चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल पे मैं आपके लिए इसी तरीके के डिटेल्ड अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियोस बनाते रहता हूँ। फिर मिलते हैं बहुत जल्द, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।